क्या कांग्रेस में होते तो अब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बन गए होते। क्या भाजपा में कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? ओपिनियन पोल में हो गया ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बड़ा खुलासा। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा में आए हुए जब से एक साल हुए हैं, तब से उनके भविष्य को लेकर फिर से चर्चाएं गर्म हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ज्योतिरादित्य सिंधिया के भविष्य को लेकर दिए गए बयान के बाद अब आए दिन कांग्रेस नेताओं के बयान आने लगे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में रहते हुए कभी मुख्यमंत्री भी बन पाएंगे? क्या अब तक सिर्फ कांग्रेस में होते तो क्या सिंधिया मुख्यमंत्री बन पाते? संवाद टीवी ने भी इस प्रश्न को लेकर जनता के बीच में एक बड़ा ओपिनियन किया, जिसमें एक बड़ी बात खुलकर सामने आई। हमारा पहला सवाल था कि सिंधिया अगर कांग्रेस में होते तो क्या मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बन सकते थे? इसे ऑनलाइन सर्वे में 3,200 लोगों ने वोट किया, जिनमें से 85% यानी लगभग 2,700 लोगों का जवाब हाँ में था, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में होते तो अगले मुख्यमंत्री बन सकते थे, जबकि 13% लोगों का जवाब ना में था, जबकि 3% लोगों ने इस सवाल पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इस सवाल से ये बात साफ हो गई कि लगभग 85% लोग अभी ये मानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कांग्रेस में होते तो अगले मुख्यमंत्री बन सकते थे। वही हमारा दूसरा सवाल था कि सिंधिया भाजपा में रहते हुए क्या कभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? इस सवाल पर 4,300 लोगों ने वोट किया। ऑनलाइन ओपिनियन में 15% लोगों ने इस सवाल पर हाँ में जवाब दिया, जबकि 82% लोगों ने माना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में रहते हुए मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, जबकि 2% लोगों ने इस सवाल पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इसे ओपिनियन से एक बार फिर साबित हो गया कि 85% लोग अब भी मानते हैं कि सिंधिया अगर कांग्रेस में होते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन बीजेपी में आने से 85% लोगों का मानना है कि वो बीजेपी में कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने मान सम्मान और वर्चस्व को भाजपा में बरकरार रख पाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।